स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के मध्य प्रदेश सरकार के तमाम दावों के बावजूद प्रदेश में जच्चा और बच्चा की मृत्यु पर लगाम नहीं लगा पा रही है। मामला किसी दूरदराज की जगह का नहीं बल्कि पन्ना जिले के ग्राम बिलपुरा सेन परिवार का है, जो गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही लेकिन फोन करने के बाद भी 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे 108 आकस्मिक सेवा की लापरवाही से नवजातों की जन्म के तुरंत बाद मौत हो गई। समय से 108 के ना आने से गर्भवती महिला ने घर में ही दो जुड़वा नवजातों को जन्म दिया तथा पीड़ित परिवार ने 108 सेवा पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिवार वालों ने बताया कि अगर 108 एम्बुलेंस समय से आ गई होती तो बच्चे उस दुनिया में जिंदा होते। वहीं परिवार के परिजन उदयपाल सेन ने बताया कि 29 जुलाई शाम 6 बजे के लगभग 108 एम्बुलेंस को 2 से 3 बार फोन लगाया गया कि मेरी भाभी प्रभा देवी पति राम सजीवन सेन उम्र 29 वर्ष की डिलीवरी होनी है, इसके बावजूद भी समय पर एम्बुलेंस बिलपुरा नहीं पहुंची। नतीजा बच्चों ने घर में ही जन्म के बाद तुरंत मौत हो गई। यह कैसा सिस्टम है? सिस्टम की खामियों के चलते दुनिया में आने से पहले ही नवजातों की जान चली गई। परिजनों ने दिल पर पत्थर रखकर नवजात जुड़वा बच्चों का दफन किया। माँ का बुरा हाल है, परिवारजनों से सच्चाई जानी तो रूह ने सोचने पर मजबूर कर दिया। परिवारजनों को इस बात का दुख है कि अगर वक्त रहते स्वास्थ्य सेवा मिल जाती तो शायद आज उनके चिराग इस दुनिया में होते। फिर हाल सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस मामले में तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं।